सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में आ गए हैं जिस वर्ल्ड में हमें मिलने वाले हैं बेडरॉक के टूल्स। टूल्स नहीं भाई, मतलब बेसिकली सॉर्ड ही है टूल्स के नाम पर, बट भाई वो ओपी वाली होने वाली, क्योंकि बेडरॉक आप जानते हो भाई क्राफ्ट नहीं कर सकते, बट इस वर्जन में हम क्राफ्ट कर सकते हैं बेडरॉक से। वो कैसे वो आपको आगे बताता हूँ। तो चलते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले हमें बेसिक टूल के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेसिक टूल बना लेते हैं अपने लिए। भाई आयरन दिख चुका है पहले भाई स्टार्टिंग होते ही। तो सीधा ही चलते हैं नीचे की तरफ। और भाई पहले तो भाई मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर, ओ भाई आयरन के पास ही आया हूँ डायरेक्ट। भाई पहले मैं सीधे अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ जितना भाई सामान मिलता है, क्योंकि हमें माइनिंग करनी है बेसिकली। और भाई मुझे पहले फूड का भी करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं कुछ कर पाऊँगा आगे। भाई एक बार मैं आयरन थोड़ा जितना दिख रहा उतना माइन करके एक बार ऊपर चलूँगा, ताकि भाई मैं बेड वगैरह बना सकूँ। जितना भी आयरन दिख रहा है ना, सारा का सारा कलेक्ट कर लेंगे। थर्टी आयरन हो चुका है मेरे पास भाई, मैं पूरा अपना आर्मर सेट भी बना सकता हूँ अभी से। तो भाई अब चलते हैं ऊपर और भाई फूड का भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब फूड भी रात होने से पहले फूड भी और मुझे बेड भी चाहिए। तो फटाफट चलते हैं ऊपर। ये रहा भाई थोड़ा आयरन और दिख चुका है मुझे। ग्रेवल भी उठा लेता हूँ, क्योंकि ग्रेवल की भी जरूरत पड़ेगी। लेदर भी चलना है क्योंकि ठीक है। और ओ भाई विलेज दिख चुका, काफी बड़ा विलेज है। और भाई शिप भी दिख चुकी है। तो भाई पहले मैं अपने आप को शिप के साथ थोड़ा फूड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। चलते हैं भाई सीधा, मैं एक बार लूट करके वो करता हूँ। पहले भाई के घर में फर्नेस भाई बने बनाए मिल गए हैं। ठीक है, दो आयरन भाई सॉर्ड भी बन गई हमारी, यहाँ से सॉर्ड मिल चुकी है। अब मुझे भाई इसकी जरूरत नहीं है, अब सॉर्ड मिल गई है। तो अब फटाफट भाई मैं सारे घर में ट्राई करता हूँ मुझे क्या मिलता है, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। छह आयरन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है भाई, कुछ नहीं मिला खास विलेज से, तो भाई मैं सो गया हूँ। और भाई गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर फूड भी लगा दिया भाई कुक होने के लिए, ताकि भाई मेरा सामान भाई जितना भी है वो कुक हो जाए फटाफट। और उसके बाद भाई मैं अपने इसमें ये अपना आयरन भी स्मेल्ट करके लगा दूंगा। इसको फेंक देते क्योंकि अब मेरे पास इनफ फूड हो चुका है। तो फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि अब हमें चलना है माइनिंग पर। तो भाई मुझे काफ़ी सारा सामान चाहिए था। तो भाई ऐसा करता हूँ मैं फटाफट, हे बैल तो भाई इसमें दिखा ही नहीं भाई पूरे विलेज में। ये रहा भाई हे बैल दिख चुका है, क्योंकि हे बैल का ये एक भाई मैं ब्रेड बना सकता हूँ, तो हे बैल की अभी काफ़ी जरूरत थी। तो इसको उठा लेता हूँ फटाफट। ठीक है भाई, सात हे बैल है काफ़ी अभी के लिए। तो भाई अब फटाफट ऐसा करते हैं, मैं अपने लिए देखता हूँ ये भाई फेंक देता हूँ पहले, जितना भी कुछ रहा है ना इन्वेंटरी में जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अब उसको फेंकने का टाइम आ चुका है। ऑलराइट, तो भाई हमारा आयरन और हमारा फूड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब भाई मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे अपने लिए सारे टूल्स और भाई
वो अपने लिए वो बनाना है आर्मर भाई। पहले आर्मर बना लेता हूँ क्योंकि आर्मर सबसे जरूरी है। ठीक है भाई, हमारा आर्मर कंप्लीट हो चुका है, पहन लेता हूँ फटाफट। और ये आर्मर पहन लिया मैंने, और अपने लिए अब टूल बना लेते हैं, जो कि एक पिकैक्स, एक एक्स वगैरह की अब जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि अब मेरे पास सोर्ड है। और एक शील्ड बना लेनी चाहिए मुझे, एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि भाई केव में अंडर माइनिंग पर चलना है, तो भाई शील्ड काफ़ी ज़रूरत होगी। तो भाई ठीक है, शील्ड भी बन चुकी है। अब भाई चलता हूँ मैं सीधा ही माइनिंग पर। अब मुझे एक अच्छी सी केव देखनी है, और भाई मुझे डायमंड की माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। और भाई काफ़ी टाइम हो गया भाई, ऑलमोस्ट रात होने वाली है। तो कुछ नहीं भाई, अपने लिए केव देखता हूँ कोई आसपास फटाफट। ठीक है, ये रहा भाई काफ़ी अच्छी जगह। तो भाई मैं यहीं से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ नीचे के लिए। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं माइनिंग बिना किसी देरी के। तो ठीक है भाई, अब सीधा ही मैं डायमंड लेवल पर चलता हूँ, क्योंकि तो मुझे वहीं पर वो है। ओ भाई, केव थी एग्जैक्ट मेरे नीचे। ओ भाई, माइनशाफ्ट में आया हूँ सीधा ही। ओ भाई, लावा भी मिल चुका है, लावा के पास कोई डायमंड। ठीक है भाई, बाद में आना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे पास डायमंड नहीं है। तो ठीक है भाई, अब भाई वापस नीचे की तरफ माइन करनी है, क्योंकि मुझे डायमंड लेवल पर जाना है। आ गए भाई लेवल 59 पर। अब भाई माइनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस लेवल पर भाई डायमंड पा सकते हैं। और भाई मुझे टोटल कितने चाहिए भाई? मुझे भाई ऑलमोस्ट भाई 12 के करीब डायमंड चाहिए। तो भाई मैं माइनिंग भाई काफी टाइम लगने वाला है। तो ऐसा करता है भाई, फटाफट भाई मैं माइन करता हूँ, उसके बाद भाई ऑब्सीडियन भी कलेक्ट करने हैं, तो भाई मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई एक बार करते हैं, उसके बाद भाई देखता हूँ मैं। The next morning. ओ भाई भाई भाई, कितनी देर में डायमंड मिले? एक से ज़्यादा ही हो। दो, तीन, चार, पाँच, छः। भाई एक आध और जो देखते हैं भाई, आसपास देखता हूँ इसके, क्या पता एक से दो मिल ही जाए। आई थिंक सो नहीं है भाई। भाई बात नहीं भाई, काफी मिल गए इतनी माइनिंग पर। तो भाई 6 मिले एक साथ, भाई 6 डायमंड। बट अभी हमें और भी इतने और चाहिए भाई। ये मेरी भाई ये तीसरी पिकेक्स आ चुकी है आयरन की। बट तो कोई बात नहीं, माइनिंग कंटिन्यू रखते अपने लिए। ओ भाई कितनी देर में यार, डायमंड डायमंड। भाई 12 डायमंड हो चुके हैं भाई, 6 अब पाए हैं भाई, 6 पहले पाए थे भाई, टोटल 12 डायमंड हो चुके हैं। इनफ है भाई मेरे लिए तो। और भाई देखो भाई, कितनी सारी माइनिंग करनी पड़ी बट मुझे इसके लिए। ठीक है, अब भाई मुझे कुछ नहीं करना, पहले भाई मैं हेल्थ फुल कर लेता हूँ। ठीक है भाई, हेल्थ फुल हो गई। अब भाई मुझे पहले तो भाई एक पिकैक्स बनानी है, ठीक है, ताकि भाई मैं अपने लिए ऑब्सीडियन भी माइन कर पाऊँ। और ये हमारी, ये और ये आ गए हमारे डायमंड पिकैक्स। और भाई बाकी के डायमंड भाई मुझे लूज नहीं करने, क्योंकि भाई मुझे अभी भाई बनाना है बेड रो, क्योंकि भाई मुझे वो क्राफ्ट करना है। तो भाई उसमें डायमंड का यूज होने वाला है, और साथ में इसका भी। और ये रहा भाई वो लावा। ठीक है, और यहाँ पर रख देता हूँ ये। तो भाई फटाफट भाई मैं थोड़ा ऑप्शन कर लेना है कलेक्ट, क्योंकि भाई नैदर भी जाना है, तो भाई मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, नैदर भी जाना है। ओ भाई 21 हो चुका है, आई थिंक ये भी इनफ रहेगा। तब सीधा चलते हैं भाई ऊपर, और भाई ऊपर चल के एम क्राफ्ट करेंगे बेड रो। ये भाई मॉर्निंग हो चुकी है, अब भाई हम क्राफ्ट करते हैं बेड रो हमारे लिए। और भाई इतना सारा कूड़ा कचरा होगा इन्वेंट्री में,
ठीक है, बेडरो क्राफ्ट करने के लिए भाई पहले मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकाल लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल आ गई है और इसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे रखना है भाई मुझे क्रॉस में, तो भाई ऑब्सीडियन रखने हैं। ठीक है, और बाकी के में डायमंड। और ये देखो भाई हमारा बेडरॉक, ये हमने क्राफ्ट कर लिया है बेडरॉक। ये देखो भाई मेरे हाथ में इलीगल आइटम, वो भी भाई मैंने क्राफ्ट की है। तो भाई देखो अब बनाते हैं भाई बेडरॉक की सोल्ड। तो भाई मुझे क्या करना है, एक ये रखना है और इसके ऊपर रखना है भाई ये, और ये देखो भाई बेडरॉक की सोल्ड, इस पर शार्पनेस लेवल 255। ठीक है भाई, और मेरे पास काफ़ी अच्छी एन्चेंटमेंट आ चुकी है। ठीक है भाई, मैं नेदर में भी आ चुका हूँ, और भाई आते ही भाई मैं मुझसे ये पंगे लेने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो भाई अब मैं ऐसा करता हूँ, ये घास्ट आ चुकी है थोड़ा इसके कवर लेके। ठीक है भाई, मुझे फोर्ट्रेस की तलाश है, तो भाई मैं फोर्ट्रेस ढूंढने चलता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे, क्योंकि भाई फोर्ट्रेस के साथ ही मेरा काम स्टार्ट होगा, ब्लेज मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद भाई मुझे एंडरमैन को भी ढूंढना है, क्योंकि एंडरमैन से ही मुझे ड्राइव मिलेगी, तभी मैं जा पाऊंगा नेदर में, मतलब एंड में। तो ठीक है, और भाई ये आ गया है भाई, वैसे तो मैं एक में मार दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शार्पनेस और भाई ये ओपी सोल्ड है। तो ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ अब फोर्ट्रेस ढूंढ के। भाई टेरिबल फोर्ट्रेस मिल चुका है भाई, फोर्ट्रेस ये है क्या आसपास, ये आ चुकी है भाई देखो फोर्ट्रेस, ये हो चुका है एंटर फोर्ट्रेस में हम। अब भाई फटाफट भाई मुझे ब्लेज रोड चाहिए भाई, ब्लेज वैसे एक एक में मर जाएंगी, इतनी भाई जूट वो नहीं है, बट ये रहा भाई स्पॉनर भी मिल चुका है। बट भाई अब मुझे इनसे फटाफट फटाफट भाई मुझसे मुझे इनसे ये चाहिए, ये क्यों उठा कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई कूड़ा कचरा निकाल दिया, अब भाई नीचे ये निकाल लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। 8 से 9 भाई मुझे चाहिए, तो भाई 8 से 9 मैं कलेक्ट करके फिर चलता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, वैसे तो 9 हो चुकी है, आई थिंक इनफ रहेगा, तो तोड़ते हैं अब चलते हैं भाई। अब मुझे भाई सीधा ही हो चाहिए, क्या कहते हैं भाई, हमें अब प्लेस तो मिल चुकी है, मतलब आई एंडर आई चाहिए, मतलब जो कि मुझे मिलेगी उससे एंडरमैन से भाई मिल लेनी है मुझे। ठीक है भाई, अब फटाफट चलता हूँ मैं भाई, ये आ चुकी है भाई, आ चुकी है ये भी, तो भाई ठीक है मेरा काम काफ़ी आसान बना दिया, पास में ही मिल गई ये भी बायोम। ठीक है, और ठीक है भाई मुझे अब एंडरमैन ढूंढने फटाफट और इनको मारना है। ठीक है, मैं इन्वेंटरी भाई स्पेस खाली करना पड़ेगा, रेस्ट में कोई काम नहीं है। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट मिल चुकी है। अब भाई मुझे ऐसे ही करके भाई थोड़े से देर भाई इनसे करना पड़ेगा फाइट, और भाई फिर मिलेगी मुझे। तो ठीक है भाई, मैं ढूंढता रहता हूँ और भाई फाइट करता हूँ इनसे। ऑलराइट, तो भाई हमारे पास 14 एंडर पर्ल हो चुकी, आई थिंक इनफ रहेंगी, तो अब चलते हैं भाई सीधा ओवरवर्ल्ड में भाई, उसके बाद हमें चलना है सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। तो भाई हम सीधा चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है भाई, आ गए हम यहाँ पर, अब भाई मुझे सिर्फ वो करना है। ठीक है भाई, मैं बना लेता हूँ पहले 12 की बना लेते हैं, पहले ये बनाना पड़ेगा, सॉरी।
ठीक है, अब भाई देखते हैं भाई किस डायरेक्शन में चलना है हमें, तो देखते हैं इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है भाई, तो चलते हैं फटाफट और भाई ढूंढते स्ट्रॉन्ग होल्ड को। ठीक है भाई, अब भाई फटाफट यहाँ पर एक और लास्ट बार एंड राई मार के देख लेता हूँ, सामने चल रही है। भाई नीचे चली गई, नीचे चली गई भाई। ठीक था भाई, आई थिंक मैं पास में था, ये रहा। यहीं से भाई माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ये रहा भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड, भाई मिल चुका है। टेलीपोर्ट खा लेते हैं, अब चलते हैं भाई सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। ये आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, अब भाई मुझे सीधा ही रूम ढूंढना है ताकि भाई मैं रूम में जा सकूं। भाई ये मिलेगा भाई, कितनी देर लगा दी यार। सिल्वर फिश स्पॉनर भी तोड़ दिया मैंने भाई, दो आई थी ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी का इनका कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, अब भाई ज्यादा देर न करते हुए सीधा ही चलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि हमारे पास भाई ओपी वाली सोर्ड है जो कि भाई पूरी की पूरी बेड रॉक की बनी है। अब चलते हैं और देखते हैं और बीट करते हैं ड्रैगनी को। ये क्या था भाई, कोई गलीच? इतना गलीच भाई। ठीक है भाई, आ गए भाई। मैं पहले बहुत सारी एंड कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि तो भाई मुझे इस पर काफी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई, अब क्रिस्टल तोड़ते हैं भाई। पहले मैं तोड़ तो वैसे दो ही तीन पाऊंगा, क्योंकि एक तो तोड़ दिया क्योंकि भाई मेरे पास दो ही तीन एरो थे। अब मैं नहीं चला पाऊंगा इस, आपको मेरे लिए कोई काम नहीं है भाई, मुझे मैन्युअली तोड़ने पड़ेंगे जाकर। भाई कितने सारे फोड़ेगी ये, या फिर भाई मैं इसका नीचे आने का वेट करूं बिना भाई क्रिस्टल फोड़े? देखता हूँ पहले भाई मैं इसको कितना डैमेज पड़ेगा, उस हिसाब से मैं इसको मारूंगा। अगर भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी तभी मैं क्रिस्टल फोड़ूंगा। भाई कब से मैं इसका वेट कर रहा हूँ बट ये नीचे नहीं आ रही। आई थिंक भाई मुझे क्रिस्टल फोड़ने ही पड़ेंगे तभी ये नीचे आएगी। तो भाई चलते हैं भाई क्रिस्टल फोड़ते हैं भाई, ऐसे ही नीचे नहीं आएगी। ठीक है, ऑल राइट, टूट चुके हैं सब के सब। अब भाई नीचे चलते हैं, मेरे पीछे भाई कोई एंडरमैन है, इसको मैं मार दूंगा फटाफट। अब भाई थोड़ी सी एंडर आई कलेक्ट करते हैं, थोड़ी सी एंडर पर मतलब। अब भाई जब ये आ गई नीचे, भाई मैं कह रहा था अब नीचे आते ही मैं मारूंगा, और कहते ही नीचे आ गई है। अब ये रीजन भी नहीं कर सकती, सबसे अच्छी बात तो ये है भाई। कैसे मारा, मैं तो इसको मार भी नहीं पाया। ठीक है अब भाई इसका कुछ नहीं, भाई मुझे नीचे आने का वेट करना है तभी मैं इसको मार पाऊंगा। भाई दो ही हिट होने पाए भाई, ज्यादा नहीं हो पाया हिट। भाई दो चाहिए भाई इसको, दो तीन, आई थिंक तीन सोल्ड में। और भाई ये आई थिंक भाई अब तीन सोल्ड में, और भाई ये खलास ये क्यों आ रहा है? और भाई मेरे पास अब फूड भी नहीं है, तो भाई मेरी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है? भाई
ठीक है भाई, मेरे पास सब फूड आ चुका है, क्योंकि इसीलिए मैं ये लेके चलता था हेवेल, ताकि भाई इनफ जब जरूरत पड़ेगी तब भाई मेरे लिए ब्रेड का भी काम हो जाएगा। अब भाई इसका वेट करना है कि कब ये नीचे आएगी, तभी मैं इसको मार पाऊंगा। नीचे आ रही है, चलते हैं यहाँ पर। और भाई इसी के साथ 200 रेड में ही सिर्फ मार दिया हमने एंड ड्रैगनी को, काफी अच्छा लग रहा है भाई मार के उसको। ये देखो भाई, और भाई एंड गेट भी खुल चुका है, और अब एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है भाई, हमें काफी भाई मुझे मजा आया भाई बेडरॉक की सॉल्ट के साथ। भाई हमने आज बीट किया पहली बार एंड ड्रैगनी को। तो आपको कमेंट करके बताना कि भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।